मेरी बजूका कहाँ है? इनके लिए बजूका काफी है और इनकमिंग। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बारी फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चुपौती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम करने जा रहे हैं चौथी है इसका दूसरा मिशन। और यह मिशन जो भाइयों है बहुत ही एक रोमांचक मिशन होने वाला है। हमें कूड़े वाले ट्रक की जो है जॉब दी गई है, तो हमें शहर के कोने कोने पे जाके कूड़ा उठाना है। तो यार ये मिशन जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक बारी फिर से ये रॉन एक बारी क्या कहने वाला है। हे रॉन, अबाउट टू स्टार्ट टॉकिंग टू यू। रॉन के ऊपर गुस्सा कर रहा है ड्राइवर, कह रहा है जल्दी कर, काम कर, तुझे काम के पैसे दे रहा हूँ, ये सोने के पैसे नहीं दे रहा मैं। ट्रेवर डोंट वरी, रॉन जो है अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। ट्रेवर रॉन जो है एकदम से दिल लगा के तेरे लिए पैसा बनाने का पूरा काम कर रहा है। अभी क्या कर रहा है ये, एक मिनट होल्ड ऑन गाइस, लेट्स लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। ओके, कह रहा यार तुम्हारी, ट्रेवर कह रहा है कि तुम लोगों की जॉब है रबिश प्लेट करना, क्योंकि रबिश जब प्लेट करते हो तो लोग जो है कभी कभी बहुत ही खास चीजें जो है रबिश में फेंक देते हैं, जैसे कि रॉन को किसी ने रबिश में फेंक दिया। तो रॉन चिंता करने वाली बात नहीं है, ये तेरी तारीफ कर रहा है। अगर एक तरीके से सोचा जाए तो तेरी तारीफ कर रहा है। चलिए वो क्या बड़बड़ा रहे हैं, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो एक बार फिर से हमारे साथ दो टीमें हैं और ये जो है रबिश, यार ये कूड़े वाले ट्रक को यार उठाने के लिए कौन से इन्होंने बॉडीगार्ड लगा के रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम कूड़े वाला ट्रक चोरी कर रहे हैं यार, कोई डाका थोड़ी मार रहे हैं बैंक के अंदर। ये कितने बॉडीगार्ड्स चाहिए कूड़े वाले ट्रक को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो लीजिए भाइयों, कूड़े वाले ट्रक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गार्ड्स खड़े थे उनकी हमने सही से वार लगा दी। और मिशन के बारे में बात करते हैं, और मैं ये कह रहा था कि मिशन को पूरा करने के लिए एक बार फिर से आपको दो टीम्स दी गई हैं और दो टीम के अंदर दो दो बंदे हैं, तो टोटल चार बंदे हैं। एक बार फिर से मेरे साथ लॉगी काम कर रहा है और आगे वाले ट्रक में एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। तो उनकी जॉब है ट्रक को चलाना और हमें प्रोटेक्शन देना जब हम कूड़ा उठाएंगे, और हमारी जॉब ये है कि हमें जाके सिर्फ कूड़ा उठाना है। तो बहुत ही डेंजरस मिशन है, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत ईजी होगा। ये क्या कर रहा है यार, उसको देखो वो कितना बेकार बंदा है यार, ये कैसी गाड़ी लेके आता है, पता नहीं किस गरीब सिविलियन की गाड़ी चुरा के ये मिशन करने की कोशिश कर रहा है बेवकूफ इंसान। वहां से यार तुझे आगे बैठना है ट्रक के अंदर यार, ये चर्सी लोग जो आ जाते हैं ना जीटी के अंदर, ये चर्सी लोग जो डाकू लोग जो आ जाते हैं ना जीटी के अंदर, ये पटियाले के राजकुमार, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनके साथ गेम खेलने को। तो गेम खेलनी आती नहीं और चलिए गेम खेलने। और लॉगी ये क्या कर रहा है, The first collection is on foam drive. Okay. क्या कर रहा, सारे खंबे तोड़ रहा है। तो ओके, फर्स्ट कलेक्शन हमारी जो है इस गलियों के अंदर कहीं पे हमारी फर्स्ट कलेक्शन है, तो वहां पे जाके हमने कूड़े वाले बैग उठाने हैं। और बिल्कुल ये रही, बिल्कुल सामने है जो लोकेशन जहां पे डाली गई है, और यहां पे जाके हमने ये कूड़े वाले बैग उठाने हैं। बिल्कुल मैप के ऊपर आ चुके हैं, तो ये ग्रीन कलर के जो, ये क्या कह रहा अब। ओके, वी आर पिकिंग इट अप। यार चुप हो जा, अब कभी रॉन बोल रहा है, कभी ड्राइवर बोल रहा है, और ये जीटीए वाले भी दिमाग खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बैग पड़े हुए हैं ये रबिश वाले, और मुझे लग रहा है कि जैसे ये गेम मेरा बैग गिर गया यार, तूने ट्रक को आगे कर ले, क्या कर रहा है, मैं बैग नहीं उठा पा रहा। लोग इसके यार कान की गोली मारी, इसको सुनाई नहीं दे रहा, इसके कान पे गोली मार के एक छेद और कर इसके सर के अंदर, ताकि इसको सही तरीके से सुनाई दे कि ये मिशन कैसे करते हैं यार। ये क्या यार बेवकूफ़ है यार, ये एक नंबर की हद कर दी है इन्होंने यार। तुमसे अच्छा तो हमारा पैगो भैया है यार। ओके, गो टू द विस्पूची बुलेवार्ड एंड टू द ट्रैश मास्टर। अबे कहाँ जा रहा है मेरे बाप, आगे से भी रास्ता है और पीछे गली बंद है, तो पूरा घुमा के आना पड़ेगा बेवकूफ। ये कहाँ जा रहा है, वो आ गए भाई यार, रोना दिला देते हैं हमारे GTA 5 के जो ऑनलाइन के प्लेयर है ना। मुझे लगा था कि यार GTA 5 के स्टोरी मोड के प्लेयर ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऑनलाइन के प्लेयर तो स्टोरी मोड के कंप्यूटर जो होते हैं ना बॉट्स, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। ये क्या कर रहा है, पूरा घुमा के लेके जा रहा है ट्रक। तो चलिए कोई बात नहीं, तो पहली लोकेशन से हमने रबिश के जो पार्सल्स थे, जो ये जो कूड़े वाले बैग थे काले रंग के, वो तो हमने उठा लिए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये बैग्स के अंदर कोई ड्रग्स का मामला ज़रूर होगा। हमेशा की तरह ये जो मिशन है रॉन और ट्रेवर की जो हाइस्ट है, ये पूरी ड्रग्स के ऊपर रिलेटेड है। तो हमें लगता है कूड़े वाले बैग उठा के इनके अंदर से या तो कोई ड्रग्स निकालनी है या तो कोई सुराख निकालना है। इतना बड़ा ट्रक तूने कैसे नहीं देखा हैं, इतना बड़ा ट्रक तूने कैसे नहीं देखा यार,
इसलिए प्लीज मेरी चिंता हो रही है। अबे ट्रक को क्यों नहीं खड़ा कर रहा यार, मेरा पूरा आर्मर जो मैंने यहाँ पे डाल के रखा था वो सारा वेस्ट हो गया। और लॉगी लॉगी जरा आराम से जाइए, बिकॉज यहाँ पे बंदे होने चाहिए और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कूड़े वाले बैग भी ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम ए पहला बैग जो कूड़े वाले ट्रक के अंदर डालेंगे तो बंदे आ गए। ओह माय गॉड, लॉगी बंदे आ गए, बंदूकें निकाल ले। ओके मैं काम करता हूँ, लॉगी मेरे पीछे रहिए, मैं बंदूकें निकाल के इनको मारने की कोशिश करता हूँ। और तूने आराम से कूड़े वाले बैग उठा के ट्रक के अंदर फेंकने, और ज्यादा होशियारी मत करियो क्योंकि मेरे पास मिनी गन है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। हेलो, दूसरा बंदा कहाँ पे है? तू भी आ जा मेरे बाप, तू भी आ जा, तू कहाँ पे जाएगा? और दो बंदे यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी पावर बिल्कुल कम हो चुकी है, मुझे बड़े ही ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये मर गया। और सामने से यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के बंदे आ रहे हैं यार, ये कितनी प्रोटेक्शन दे रखी है। लगता है हमारे दुश्मन गैंगस्टर लोग हैं, इनको भनक लग चुकी है कि हम आ रहे हैं इनके कूड़े वाले बैग में से। अरे माय गॉड, ये बेवकूफ बंदा ट्रक के अंदर बैठे बैठे कैसे मर गया? लॉगी ये क्या यार, ये कैसे यार? उसकी सिर्फ एक ही जॉब थी यार, उसकी सिर्फ एक ही जॉब थी कि ट्रक के अंदर बैठ के उसने गोलियां मारनी, और वो भी उसने ढंग से नहीं निभाई वो जॉब भी उसने ढंग से। ये एक बंदा रहता, तू खा गया तू क्या कर लेगा? तेरी पूरी फौज हमने मार दी, तो तू क्या परमाणु लेके आएगा हमारे लिए? है तू हमें क्या, तू कैसे मारेगा? तेरी पूरी फौज हमने धुआं कर दी, और ये बंदा आया बड़ा शेर बनने, बेवकूफ इंसान ना हो तो। ओके 0.4 माइल का रास्ता रहता, और ड्राइवर फिर से बोल रहा ओके नाउ गो टू द कैपिटल बुलेवार्ड इनटू द ट्रैश कैन। ये कैपिटल बुलेवार्ड तो ये वही लोकेशन थी जहाँ पे हमने, आई डोंट नो, ये बहुत ही कंफ्यूजन सी हाइस्ट हो रही है, ये मिशन जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा मैप दिखा रहा है हम वैसा ही करेंगे। लॉगी ने क्या लिखा है? मेक श्योर टू शूट। सही बोला लॉगी यार, ये ट्रक के अंदर बैठी हुई है और शूटिंग कर रही नहीं है, इसे लग रहा है कि हम यहाँ पे लड्डू खाने आए हैं। अबे गोलियां मार लिया करो ट्रक के अंदर से बैठ के, तुम्हारे पास बंदूकें होती हैं, 400 बंदूकें हो तुम्हारे पास GTA 5 के अंदर, अबे एक तो यूज कर लिया करो बेवकूफो एक। ओह माय गॉड, यहां पे तो ओके आई डोंट हैव टू बी अ जीनियस, इसका मतलब ये है कि यहां पे बाल्टियां भर भर के फौज आने वाली है दुश्मनों की, तो हमें पूरा मुकाबला करना पड़ेगा। फटाफट लॉगी लॉगी फटाफट बैग उठा और ट्रक के अंदर डाल, मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक लेवल का जो है। अबे चढ़ा मत दियो ट्रक मेरे ऊपर, और तेरी आगे मेरी बजूका कहाँ है? इनके लिए बजूका काफी है। और इनकमिंग, एक तो गया, ओह माय गॉड एक तो गया, ये दूसरा भी गया, तो ट्रक भर भर के आ रहे हैं, और हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे हाथ में बजूका है, और जैसे ही हमारे सामने कोई बंदा आएगा उसको तो हम मौत के घाट उतार देंगे। लॉगी आगे मत जाइए, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी बंदे आ रहे हैं, कहां से मार रहे हैं? लगता कूड़े शूटिंग, आई एम शूटिंग, जस्ट गेट इन। ओके शट अप लॉगी, दो बैग सिर्फ कूड़े के रहते हैं, लॉगी फटाफट इनको उठा और ट्रक में डाल, और हमारी समझदारी यही होगी कि यहां से फटाफट निकल जाना चाहिए इससे पहले कि और दुश्मन के बंदे आए। किसको फोड़ रहा है ये? अबे किसको फोड़ रहा है? बेकसूर लोगों की बसें फोड़ रहा है। ओके अभी ओके वी गॉट टेक इट टू द गैस स्टेशन। ओके मैं इनको टाइप करके लिख लेता हूँ, गिव अस बैकअप, क्योंकि ये जो लास्ट लोकेशन है तो ये पेट्रोल पंप के ऊपर हम हमला करने वाले हैं और वहाँ से कूड़ा उठा के लेके आएंगे, तो ये लास्ट लोकेशन है ट्रेवर ने बताया, और मैं इनको लिखा कि गिव अस बैकअप यार, मैंने इनको साफ साफ लिखा है चार्ट रूम में कि हमें बैकअप दो, ये लास्ट लोकेशन है और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हमला होगा, डेफिनेटली खतरनाक हमला होगा, लास्ट लोकेशन है तो हमें पूरा ध्यान से खेलना चाहिए। लॉगी तू भी बहुत हीरो बनने की कोशिश मत करियो, ठीक है? ओह माय गॉड, बहुत ही, ओह माय गॉड दिस पार्ट, ये उसने क्या लिखा, दिस पार्ट ऑलवेज पिसेस मी ऑफ, आई नो यार, ये पार्ट जो है आखिरी लोकेशन का जो पार्ट है वो बहुत धांसू है यार। मैं काम करता हूँ, अपनी मिनी गन रेडी रखता हूँ। ओह माय गॉड, तो अगर यहाँ पे छोटा, अबे क्या कर रहा है, ऊपर मत चढ़ा दियो ट्रक, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे छोटा सा भी एक्सप्लोजन हुआ तो पूरा पेट्रोल पंप धुआं हो जाएगा और यहीं पे फट जाएंगे। ओह माय गॉड, आ गए, ओ तेरी, बच गए। ओके नाउ वी आर सराउंडेड, चारों तरफ से हमें दुश्मनों ने घेर लिया है, गाड़ियाँ भर भर के उनकी आ रही हैं, और मिनी गन, मेरे ख्याल से मिनी गन निकाल के इनको धुआं करने में ही समझदारी होगी। तो आगे तो है लॉगी, दिस साइड इज ऑल क्लियर, पीछे से बंदे आ रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे पास मिनी गन है तो मैं इनको पीछे से भी धुआं कर दूंगा, छुप छुप के आ रहा है। मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारे पास भी गन है, कुछ तो कर रहा है। लॉगी अपनी गन निकाल, इन्हें से कुछ नहीं होना। मैं काम करता हूँ, मैं बजूका निकाल के इनकी गाड़ियां फोड़ता हूँ। ओह माय गॉड, डबल, दो गाड़ियां फोड़ दी। ओह माय गॉड, अभी पेट्रोल पंप हम उड़ा देते।
ओ माय गॉड, ये मिस कैसे हो रहा मुझसे बार बार। लॉगी तेरी पावर क्यों कम हो रही है, कुछ तो कर लो बेवकूफा। मेरे लॉगी, आई एम टेकिंग डैमेज। लॉगी मुझे बैकअप दे जल्दी कर, मैं मर जाऊंगा, मेरी पूरी पावर कम होने वाली है। ओ माय गॉड, अगर सिर्फ दो, ओ माय गॉड, मेरी पावर पूरी कम हो चुकी है, अगर मैं मर गया तो पूरा मिशन हमारा फेल हो जाएगा। मैं फटाफट, अबे ट्रक क्यों मूव कर रहा है, अबे ट्रक क्यों मूव कर रहा है, मैं यहां पे ट्रक के पीछे छुप के मैं स्नैक्स खाने की कोशिश कर रहा हूं बेवकूफ इंसान। ओ माय गॉड, मैं ट्रक के पीछे छुप के स्नैक्स खा रहा हूँ और ये ट्रक मूव कर रहा है। पागलों के साथ पूरा वास्ता हो चुका है, एक ही बंदा रहता है, हम इसको भी बाले मार के आते हैं। तू बच के नहीं जाएगा, तेरा सारा गुस्सा जो मैं है, सारा गुस्सा मैंने तेरे ऊपर उतार देना चर्सी की औलाद। ओके, तो पूरी फौज जो गई, लॉगी यू आर डूइंग गुड, लॉगी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। एक काम करते, पेट्रोल पंप को भी धुआं कर देते हैं जाने से पहले। यार लॉगी चढ़ जाए ऊपर अब। लॉगी क्या कर रहा है, उतर मत जा, मैंने पेट्रोल पंप के ऊपर स्टिकीज रखी है। हमारी टीम ही हमारे खिलाफ हो चुकी है यार, बहुत ही मुश्किल तरीके से हम ये और इसी के साथ ही हमने पेट्रोल पंप को भी धुआं कर दिया। और मुझे लग रहा है लॉगी जरा होशियारी बरत रही हो, मुझे लग रहा है कि हमारा पीछा ये मुस्टंडे करेंगे, इतनी आसानी से हमें ये जाने नहीं देंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर। आगे ग्रीन गाड़ी हमारी आगे, ओ माय गॉड, आगे। लॉगी काम कर फटाफट, तूने ज्यादा चपलूसी नहीं करनी, सिर्फ ड्राइवर को गोली मार ताकि ये बाकी बंदे अपने आप ही हट जाएंगे। सिर्फ ड्राइवर को गोली मार दे, बाकी अपने आप ही हट जाएंगे और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने दूर हमने नहीं जाना, बिल्कुल पास में ही हमारा मिशन जो है वो अड्डा है रॉन का, तो वहाँ पे हम कूड़े वाले ट्रक को छोड़ के, हाँ वहाँ पे हम कूड़े वाले ट्रक को छोड़ के ये मिशन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और लगता है कि हमने पूरा मिशन जो है बड़े ही मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया। लॉगी ने चार्ट रूम भी लिखा भी हुआ है, नाइस वर्क। आई नो लॉगी, हमने बहुत अच्छा खेला और तूने भी लॉगी बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने ये मिशन को पार किया। और इसी के साथ ही लगता है ये मिशन यहीं पे कंप्लीट। कहाँ पे अरॉन हमारा, ये रहा गीदड़ के बच्चे, हमेशा छुप के ही बैठा होता है यहाँ पे। ज़रा बाहर भी आ जाए कर, कोई गाड़ी वगैरह लेके आ जाए, कोई हेल्प कर दे हमारी। ये क्या कर रहा है, अबे और क्या काम करवाएगा, कूड़े वाला ट्रक तूने मंगवाया था तो वो हम लेके आ गए, अब और क्या बच्चे की जान लेगा क्या हमारी। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ माय गॉड, इस बैग के अंदर कुछ है। ओह, वी गॉट द मॉलीज। तो एक बार फिर से जैसे कि मैंने ठीक बताया, ये मिशन ड्रग्स का मिशन था और इसी के साथ ये मिशन यहीं पे पार होता है। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम जो है गोल्ड पे आ चुके और हमारा लॉगी प्लैटिनम पे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।